मैं मुख्य तौर से दो संदेश महिलाओं के लिए देना चाहूँगी। पहला संदेश तो ये देना चाहूँगी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता या पढ़ाई में कमजोर होती है, तो जरूरी नहीं कि सब लोग होशियार ही हो, लेकिन उन्हें कोई ना कोई ऐसा हुनर आना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियाँ अगर उनके पास में आती है तो वो बच्चियाँ जो है, वो औरतें हैं, वो अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके, चाहे वो सिलाई बुनाई कढ़ाई झाड़ू पोछे बर्तन कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा काम उनको आना चाहिए। और दूसरा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं साइबर क्राइम के प्रति बालिकाओं को, महिलाओं को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि साइबर अपराध के प्रति आप सचेत रहिए। आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है, धोखे होते हैं, आपके खाते साफ हो जाते हैं, आप ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, आप पुलिस तक अपनी बात नहीं कह पाते हैं और आप आत्महत्या की तरह अग्रसित होते हैं, तो आत्महत्या अस्थायी समस्या का अस्थायी समाधान है। आपको तो डुबोएगा, आपकी सात पीढ़ियों को कलंकित करके जाएगा कि उसकी बेटी ने ऐसा किया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कोई गलती हुई है तो उसका पश्चाताप करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, नई ज़िंदगी शुरू करें। माँ के ऊपर है कि सागर से गहरा जिसका प्यार प्रेम, जिसकी परछाई है, जो त्याग तपस्या की मूर्ति लगती नहीं पराई है, जो मेरे रोने पर रोती और हंसने पर हंसती है, वो सिर्फ माँ होती है, जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके मीठे बोल चेतना गंगा के किनारे हैं, जो चिंताओं को पीड़ाओं को हंस हंस कर धोती है, वो सिर्फ माँ होती है, जो करे काम न खुशहाली की हर जख्मों को भरती है, जिसके प्रेम की किरणें हमको प्रफुल्लित कर देती है, जो जीवन रूपी सागर में कभी सीप तो कभी मोती है, वो सिर्फ माँ होती है।